वेलकम टू शेफ शाकिरा। आज हम बनाना सीख रहे हैं फिश सूप, मछली का सूप। ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, डिलिशियस और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही इजीली और क्विकली बन जाता है। तो आइए बनाना सीखते हैं फिश सूप या फिश का शोरबा विद शेफ शाकिरा। तो आइए फिश सूप की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन या पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, आप चाहे तो तेल ले सकते हैं। यहाँ मैंने हरी प्याज के ऊपर का सफ़ेद प्याज लिया है, आप नॉर्मल प्याज ले सकते हैं। लहसुन बारीक कटा और बारीक कटा अदरक। तो ये प्याज, लहसुन और अदरक, इन तीनों को अच्छे से बटर में भून लेना है। जब ये अच्छे से बटर में भून जाए, इसे जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है हमें हल्का। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप फिश सूप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप ये मत डालिए, लेकिन फिश सूप में सबसे ज़्यादा टेस्ट मिर्ची का ही आता है, तो इससे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च से। अब हमने इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे मैंने लिया है लेमन रिंड। तो एक नींबू को फ्रीज़र में रख लिया था और फिर उसे अच्छे से खुरच लिया है, तो इससे बहुत इजीली हो जाता है। फ्रेश नींबू से उतने अच्छे से नहीं निकलता है लेमन रिंड से एक बहुत ही अच्छा किक मिलता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि बे लीव्स लिए हैं मैंने, तेज पत्ता, और ये मैंने लिए हैं 2 पत्ते नींबू के। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आप मत डालिए, सिर्फ तेज पत्ता डाल लीजिए। याद रखिए कि जब आप लेमन रिंड डाल रहे हैं तो उसमें सफ़ेद हिस्सा ना डालें, सिर्फ येलो हिस्सा डालें। सफ़ेद हिस्सा डालने से सूप कड़वा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ फ़िश लिया है, तो ये फ़िश का हेड है, ज़्यादातर फ़िश का हेड ही यूज़ करते हैं सूप में। तो ये मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। अगर आप हेड नहीं यूज़ करना चाहते तो इस तरीके के छोटे टुकड़े यूज़ कर सकते हैं, तो छोटे क्यूब्स फिश पीसेस के काट के आप इसमें डाल सकते हैं। सूप ज़्यादातर फिश के हेड का ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं पसंद करते तो सिर्फ फिश क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो सिर्फ यही मसाले पड़ते हैं और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। तो मसालों में मैंने डाला सिर्फ काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और नमक। अब हम इसमें हरा प्याज का हरा वाला पार्ट डाल लेंगे। तो बहुत सारा डाला है मैंने, इससे बहुत अच्छा क्रंच मिलता है जब आप सूप पीते हैं, और ये बहुत हेल्दी भी रहता है। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी मिलता है आपके सूप को। और अब आपको जितना पानी डालना है आप उतना डाल सकते हैं, और बस आपका सूप रेडी है। इसे 5 से 8 मिनट तक उबलने दीजिए ताकि फ़िश स्टॉक अच्छे से बाहर आ जाए, और इसे सर्व कर दीजिए। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये उबलकर रेडी है। कम्प्लीटली फ़िश के पीसेस कुक हो चुके हैं, तो लगभग 7 से 8 मिनट में ही ये पूरा कम्प्लीट हो गया है। मैंने इसमें डाला है अभी कोरिएंडर या सिलेंट्रो, और बस गरम गरम फिश सूप सर्व कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए। टेस्टी और डिलीशियस होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। बच्चों और बूढ़ों की इम्यूनिटी के लिए भी ये सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में आप इस सूप को बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए और सभी घर वालों को पिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।